हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अब मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बच्चे को हैं 5:15, मतलब 5:20 ही होने वाले हैं और मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। तो 5 बजे उठ जाती हूँ मैं, तो मतलब 5 बजे से और करीब 15-20 मिनट तो मुझे लग जाते हैं अपने काम करने में। मतलब जैसे ब्रश वगैरह करना है, उठ के फ्रेश होना है और मतलब इस तरह के काम, देखो 15-20 मिनट तो लग जाते हैं मुझे। और जब फिर मैं उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ 5:15 बजे या 5:20 पे, मतलब 15-20 मिनट बाद तब मैं बच्चों को उठाती हूँ। तो बाबू छोटा उठ चुके हैं और बाबू छोटा को पहले मैं उठते ही पानी दे देती हूँ, तो जिसको फ्रेश होने जाना होता है वो फ्रेश हो जाती है और दूसरा फिर अपना, मतलब एक जना फ्रेश होने चला जाता है तो दूसरा जना इतना ब्रश कर लेता है। तो इतने मैं कर ले रही हूँ बेडशीट वगैरह ठीक, क्योंकि जितनी जल्दी जो काम हो जाए ना, मैं सोचती हूँ कि बस जल्दी से जल्दी जो काम हो जाए वो ठीक है, जो काम पड़ जाए। और कई बार तो क्या होता है कि कोई काम करने चलते हैं और जैसे मैं कमरे में आई हूँ कुछ करने के लिए और याद आ गया कि चलो ठीक है बेडशीट कर लेते हैं पहले, ठीक तो बेडशीट ठीक करने लग जाऊँगी, बाकी दूसरे काम भूल जाऊँगी क्योंकि मैं आई क्यों थी कमरे में। और जब वापस अपनी जगह, मतलब पहले जाऊँगी जैसे जिस काम के लिए मैं आई थी, तब वहाँ जाके याद आता है कि मैं कमरे में क्यों गई थी, तो वो काम तो मैं भूल ही गई जाके। तो कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे होता है कि अगर मैं किचन में किसी काम के लिए गई हूँ तो पता चला कि जिस काम के लिए गई हूँ वो तो काम मैं भूल गई और दूसरा काम याद आ गया। तो ऐसी होती है हम लोगों को जल्दी काम की, कि बस जल्दी जल्दी काम की, मतलब सुबह उठते ही से ही शुरू हो जाते हैं काम काम बस काम। और फिर देखो गलती हमारी भी नहीं है, आजकल गर्मी इतनी भयंकर है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी और जितनी ठंडक ठंडक में हमारा काम मतलब ख़त्म हो जाए जितनी सुबह। और क्योंकि फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है। और इधर मैंने ये वाला रूम भी ठीक कर दिया है, तो इधर बाबू छोटा पढ़ाई भी करती हैं कभी कभी बैठ के, तो जैसे ऑनलाइन क्लास होती है तो छोटा बाहर कर लेती है और बाबू इधर रूम में कर लेती है, वरना क्योंकि सुनाई नहीं देता दोनों के फ़ोन से आवाज़, मतलब उसके फ़ोन से भी आवाज़ आती रहती है, उसके फ़ोन से भी आवाज़ आती है, तो दोनों फिर अलग अलग क्लास लेती हैं। तो कई बार बाबू इधर क्लास ले लेती है तो इधर पेंसिल वगैरह के छिलके विलके गिरा देती है, जो कि मतलब मैं फिर कपड़े से ही झाड़ती हूँ तभी छूटते हैं छोटे छोटे, वरना छूटते नहीं हैं। और मतलब कभी एक दो बार क्या होता है कि मैं बेडशीट उठा के नहीं झाड़ती हूँ, ऐसे ही मतलब कपड़ा लेके झाड़ देती हूँ, तो एक दो बार काम चल जाता है हमारा इस तरीके से। और बस फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ के और जो अपना धूल वगैरह जहाँ मुझे साफ़ करनी थी वो करके मैंने झाड़ू लगा दिए और अब आ गई हूँ मैं किचन में, जो कि रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं। तो मैं रात को क्या करती हूँ कि ऐसे ही धुल के और फिर बकेट में मतलब भर के रख देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि जब तक अच्छे से सूखते नहीं है ना, जब तक अच्छे नहीं लगते बर्तन, मतलब फिर लगाते हैं तो पानी पानी से टपकते रहता है सब जगह, गीला गीला हो जाता है किचन में भी, तो अच्छा नहीं लगता है। तो सुबह तक क्या होता है कि सारे बर्तन सूख जाते हैं, तो बस मैं सारे बर्तन सेट कर दे रही हूँ, जहाँ जो लगाना है वो लगा दे रही हूँ। इतने बन रहा है मेरा काढ़ा, तो इतने काढ़ा पकेगा इतना ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि हम काढ़ा पकने का वेट करती रहूँ बस मैं खड़ी होकर। तो बस वही मैंने जैसे बताया कि सुबह यही जल्दी होती है कि क्या काम मतलब जल्दी जल्दी कर लें, तो बस मैंने काढ़ा बना लिया है और थोड़ा थोड़ा दे दूँगी बाबू छोटा को। और बाकी मैं तो एक बार नहीं दो बार मेरा होता ही है, मतलब एक बार अभी एक गिलास भर के पीऊँगी और बाकी जो बच जाता है बाद में आधा गिलास एक गिलास वो मैं लेती हूँ। और मतलब एक गिलास मेरा सुबह हो जाता है ना, इस समय तो रहती तो भाग दौड़ी है, पीते तो जल्दी जल्दी में, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि एक गिलास मतलब पी लेती हूँ, वरना वो अगर मैं बाद में एक गिलास पीती हूँ तो फिर ये सुबह वाला स्किप हो जाता है मेरा। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि एक से ज़्यादा मतलब एक गिलास से ज़्यादा मैं काढ़ा पी लूँ, तो काफ़ी देखो फ़ायदेमंद होता है और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी दे रहा है ये, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि मैं डेली पीऊँ इसे और हस्बैंड को भी देती हूँ बच्चों को भी देती हूँ। और इधर कुकर में मैंने उबाल लिए हैं आलू, तो अभी मैंने देखा तो सीटी उसमें थी, मतलब उसमें गैस बनी हुई थी अभी। तो ये देखिए ये 6 बज चुके हैं, 6:05 हो चुके हैं, तो करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे ये सब काम करने में। लेकिन क्या है कि आलू उबाल के रख दिए मैंने और झाड़ू वगैरह लगा लिए, साफ़ सफाई कर दी है, बिस्तर वगैरह सब ठीक कर दिए। और 6 बजे की आप धूप देख लो कि मतलब 6 बजे ऐसे लगता नहीं है कि 6 बजे हुए हैं अभी, और धूप मतलब पूरी अपने जोरों पर है। और ये देखिए पौधे हमारे, तो सुबह सुबह तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे छत पर आना और ये पौधे देखना, और अगर किसी पौधे में पानी देना है तो पानी देना, और ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़, मतलब बहुत सुकून देने वाली होती है ये चीज़ होती है, सुबह सुबह ही मिलती है। बाकी आप सारा दिन मतलब ये सुबह का टाइम क्या होता है कि मैं 10-15 मिनट क्या है कि टाइम ज़रूर निकालती हूँ अपने लिए, 5 से 10 मिनट तो ज़रूर ही निकालती हूँ, क्योंकि आप पूरा दिन फिर कुछ भी काम कर लो ये टाइम नहीं आता पूरा दिन, मतलब ये शाम को भी नहीं होता ऐसा, शाम को भी गर्मी होती है, इतना अच्छा मौसम नहीं होता है,
तो मेरा काढ़ा है अभी गर्म थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी सी कर लेती हूँ वॉक। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती है सुबह सुबह कि हम एक काम के इंतज़ार में खड़े रहें या बैठे रहें, तो मेरा काढ़ा भी ठंडा हो गया और घूमना भी हो गया। और छोटा बाबू क्या होती है, बाबू तो काढ़ा पी रही है अभी, तो छोटा क्योंकि फ्रेश हो गया आ चुकी है, बाबू फ्रेश नहीं हुई है अभी, तो काढ़ा पी के गई है बाबू फ्रेश होने के लिए। तो छोटा भी लग गई थी मेरे साथ घूमने के लिए, तो अच्छा लगता है। देखो बातें भी होती रहती हैं साथ में, घूमना फिरना हो जाता है सुबह सुबह, अच्छा लगता है। टाइम मतलब एक दूसरे को टाइम भी दे देते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से आलू निकाल लिए हैं, बाकी आलू का क्या है कि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी बाद में, तो मतलब लंच के लिए सब्ज़ी बनानी है तो मैंने उठा के रख दी है। और कुछ जो आलू अभी सब्ज़ी बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी जीरा आलू, और जीरा आलू साथ में बना दूँगी पूड़ी। तो यहाँ बाबू छील रही है, मैं मना कर रही थी बाबू से कि अभी बहुत गर्म है ठंडे होने दो। तो इतने मैंने आलू निकाल दिए हैं, ठंडे हो जाएंगे तो इतने मैं आटा मल के रख दूँगी। क्योंकि आटा क्या होता है कि अगर आप मतलब 15-20 मिनट पहले मल के रख दो ना बनाने से, रोटी पूड़ी जो भी आप बना रहे हो पराठे, तो मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं 15-20 मिनट पहले ही मल के रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ले लिया मक्के का आटा, फिर ले लिया था बाजरे का और जौ का आटा, और ये है अब चने का आटा। आप सोच रहे होंगे आटा तो मैंने 3 बार डाला, तो जो बाजरे का है उसमें जौ का मिक्स है, बाजरा और जौ दोनों साथ में ही मिक्स करके पिसवा लिए थे हमने, और ये है अब गेहूँ का आटा। तो 5 आटे मिक्स करके, और बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा आटा बन जाता है ये। तो बस मैं अच्छे से गूंथ के और रख दूँगी। और फिर जब मुझे बनाना होता है ना, मतलब जो भी मैं बना रही हूँ रोटी वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा और उसके बाद मतलब थोड़ा सा 1-2 मिनट और उसको अच्छे से गूंथ लेती हूँ, तो बहुत अच्छा मतलब नरम आटा बन जाता है बिल्कुल। और ये क्या होता है कि मतलब अगर खाली गेहूँ, मतलब देखो कई बार तो जैसे खा लेते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं भी हमेशा का बता रही हूँ, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मतलब कोई आटा मिक्स करने के लिए नहीं होता है, जैसे मक्के का या किसी भी चीज़ का नहीं होता है, तो केवल गेहूँ का भी खाना होता है। लेकिन गेहूँ का अगर हम खाते हैं ना, तो एक तो क्या होता है कि वो मतलब जो भी मतलब उसके खाओगे गेहूँ के आटे का, तो उससे क्या है पचता, एक मतलब पचाव जो होता है उसका वो देर में होता है, तो मतलब हैवी होता है थोड़ा गेहूँ। और मैं अगर इस तरह जैसे मिक्स कर लेती हूँ ये सब चीज़ें, तो ये बहुत ही मतलब हल्का होता है और थोड़ी देर बाद ही मतलब हजम हो जाता है, पच जाता है जो भी आप खाते हो इससे। तो जैसे मुझे थायराइड है तो इसलिए मतलब बहुत ठीक है मेरे लिए, तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मिक्स करके बनाऊँ। तो कई बार जैसे अगर मक्के का या बाजरे का और जौ का नहीं होता है, तो मैं चने का आटा मिक्स कर लेती हूँ केवल, गेहूँ का आटा होता है ज़्यादा और थोड़ा सा होता है उसमें चने का आटा। तो यहाँ मैंने आलू छील लिए हैं, काट लिए हैं बारी बारी, मतलब थोड़े पतले पतले काटे हैं, ज़्यादा मोटे नहीं। और थोड़ी सी 4 से 5 हरी मिर्च काट ली हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत मतलब बहुत सारी हरी मिर्च खा रहे हैं, ऐसे नहीं, मतलब लाल मिर्च कम कोशिश करती हूँ और हरी मिर्च यूज़ करती हूँ लाल मिर्च की जगह। तो और थोड़ी सी डालनी है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ी सी डाल दी है हींग। तो बस ये होता है जल्दी जल्दी वाला काम, जो सुबह में हम लोग मतलब सोचते हैं कि जो जल्दी हो जाए वो ठीक है। तो मैं हींग और मतलब मसाले वगैरह क्या है कि इतने जैसे आज तो मुझे मैंने इसमें प्याज वगैरह नहीं डाली है, तो जीरा आलू बना रही हूँ, तो केवल जीरे में ही मैंने आलू को फ्राई किया है। तो इतने वरना प्याज वगैरह भुनती है ना, तो भी मैं सारे मसाले उसी में मिक्स कर लेती हूँ, टमाटर वगैरह काट के रखती हूँ तो उसी में। तो उससे क्या होता है कि हमारे टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि इतने प्याज वगैरह भुन रही होती है, इतने हमारे सारे मसाले इकट्ठे हो जाते हैं। या कई बार मैं घोल बना लेती हूँ मसालों का, तो उसमें भी यही रहता है। और इधर मैंने दूसरी तरफ मैं पूड़ी बनाऊँगी, तो मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए, तो इतने ऑयल गर्म होता है, तो इतने मैंने पेपर निकाल लिया है, तो बटर पेपर निकाल के रख लिया दोनों का। तो वही टाइम सेव, क्योंकि टाइम हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो मतलब फ्री नहीं रहना है, जो भी टाइम आपको मिल रहा है उसमें, मतलब ऐसे नहीं है कि अगर सब्ज़ी बन रही है तो चलो ठीक है वेट करते हैं सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर हम पूड़ी बनाएंगे, या जब पूड़ी और सब्ज़ी बन जाएंगी तो हम लंच पैक करेंगे। बस ये है कि लंच बॉक्स निकाल के रख लिए, बटर पेपर निकाल के रख लिया, और इतने और टाइम बचता है तो मैं बोतल भर के रख देती हूँ दोनों की। और बाबू छोटा को मैं तैयार कर चुकी हूँ, मतलब तैयार तो वो खुद हो जाती हैं, यूनिफॉर्म वगैरह खुद पहन लेती हैं, तो बाल वगैरह मुझे काटने होते हैं, तो बस मैं वही देखती हूँ कि कई बार तो लंच बनाने से पहले मैं बाल काट देती हूँ अगर मुझे टाइम होता है, और कई बार मैं बाद में बाल काट देती हूँ, बाकी दोनों खुद ही तैयार हो जाती हैं पूरा, और मेरा काम होता है। तो इजीली तो मेरे घर का ही काम हो जाते हैं कि बाबू छोटा खुद तैयार हो जाती हैं, फ्रेश हो जाती हैं, ब्रश कर लेती हैं, तैयार हो जाती हैं, सामान ला के रख लेती हैं पूरा, अपना बैग वगैरह खुद रात को ही लगा के रख देती हैं, और अपना जो सामान बिखरा हुआ होता है वो रात को ही समेट के रख देती हैं, जैसे बुक्स वगैरह फैली हुई हैं, या मतलब मेरी भी हेल्प करा देती हैं जो ऐसा सामान, वैसे मेरा तो मतलब कम ही सामान फैला होता है, बच्चों का ही ज़्यादा फैला हुआ होता है, हम लोगों का कहाँ इतना सामान फैलता है।
तो बाबू छोटा मिलके दोनों ही कर देती हैं, और बाबू थोड़ा ज़्यादा समझदारी से करती है क्योंकि बड़ी है, तो वो ज़्यादा समझदारी से छोटा की मतलब छोटा को भी बोल बोल के करा देती है और खुद भी कर देती है, और बैग लगवा देती है छोटा का, अपना भी लगा लेती है। तो ये होती हैं बेटियाँ, ये मतलब बस ये देखो कि कई बार जैसे कहते हैं कि बेटियों को सिखाना होता है, मुझे तो लगता है कि कुछ तो सिखाते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता कि कब सीख जाती हैं बेटियाँ, कि जिम्मेदारियाँ कब सीख जाती हैं, कब हेल्प करना सीख जाती हैं, और आपकी परेशानी को बिना बताए समझ जाती हैं। तो ऐसी होती हैं बेटियाँ, और मैं भी बेटी हूँ तो मैं भी समझ सकती हूँ कि मतलब एक माँ बाप का दर्द, माँ बाप की परेशानी, या माँ बाप का प्यार क्या होता है। मैं बेटी हूँ तो भाई देखो, बेटा तो बेटा ही समझ सकता है ये कि उसको कितना होता है, लेकिन जैसे मैं बेटी हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, क्या होते हैं माँ बाप। और देखो ये शादी से पहले ही एक टाइम होता है, मुझे लगता है कि माँ बाप के लिए मतलब माँ बाप के साथ इतना टाइम देना और माँ बाप की हेल्प करना, माँ बाप के दुख सुख को समझना, बाद में क्या होता है कि अगर आप समझ भी रहे हो ना तो मुझे लगता है कि शायद आपको मौका नहीं मिल पाता वो मतलब करने का शादी के बाद, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब वो बंद जाती है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं कि उसकी अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी, मतलब अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने ससुराल की, इतनी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं कि वो निभाती तो दोनों तरफ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब उसी को किया जाता है, अगर ससुराल की तरफ से थोड़ा कम पड़ रहा है तो उसी को बोला जाता है, मायके की तरफ से कम जिम्मेदारी निभा पा रही है तो बेटी को बोला जाता है। तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी निभाती है एक बेटी, ससुराल को भी संभालती है, मायके को भी संभालती है। सॉरी अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है, तो मैं थोड़ा सा जहाँ माँ बाप की जगह मतलब बात आती है बेटी की और माँ बाप की, वहाँ मतलब थोड़ा सा मेरा दिल भर जाता है, थोड़ा मैं भावुक हो जाती हूँ इस चीज़ को लेकर। तो बस अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में। और धूप काफ़ी अच्छी खासी निकली हुई है, तो मैं यहाँ पर दलिया सुखा दिया है मैंने, और ये मैंने कच्ची आमी की मतलब खटाई बनाने के लिए, अमचूर पाउडर बनाने के लिए, जो मतलब कच्ची आमियाँ काट ली हैं वही सुखा दी हैं। तो कई दिन हो गए इनको सुखाते हुए, इसलिए मैंने इस पर मतलब वीडियो भी मैं लेके आऊँगी कि अगर आप घर में अमचूर का पाउडर बनाना चाहें तो आप कैसे मतलब उसको बना सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरी वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अभी ये सूख ही रही हैं, जब ये सूख जाएंगी तब मैं वीडियो बना मतलब लेके आऊँगी, तो थोड़ा सा टाइम है अभी। तो क्या होता है कि ऐसी चीज़ें अगर आप मतलब घर में कर लो ना, जैसे पुदीना हो गया और ये आमी वगैरह हो गई कच्ची, ये सुखा के रख लो तो ठीक रहता है। तो मतलब बाज़ार से तो यही होता है, देखो आप कितना भी अच्छे से ले आओ लेकिन तब भी ये पता नहीं होता कि मतलब कैसे करके उसको तैयार किया गया है। तो बस यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद में बस अब मुझे जाना है नहाने के लिए। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ, तो बस मैं अब काट लेती हूँ बाल वगैरह अपने। सब आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, और समय है सुबह का 8 बज चुके हैं। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ अभी आपको, ये देखिए 8 बजे हुए हैं और मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, केवल बस मुझे अब लंच की तैयारी करनी है। वो भी मैं अभी नहीं करूंगी लंच की तैयारी, वो मैं करूंगी क्योंकि 2:15 बजे आएंगे बच्चे स्कूल से, तो काफी टाइम है। ये बाबू छोटा के कपड़े निकाल के रख दिए मैंने इधर, तो बाबू छोटा के पहन लेंगे, मैं निकाल के रख देती हूँ पहले ही। तो काम मेरा सारा खत्म हो चुका है, तो 5 बजे से लेके 8 बजे तक मैंने अपना पूरा काम ऐसे ही खत्म कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि इतनी भयंकर गर्मी शुरू हो जाती है कि फिर कुछ करने का मन करता ही नहीं है, और फिर मुझे अपने वीडियो का भी काम करना होता है। फिर मैं क्या करती हूँ कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करती हूँ कि मतलब जल्दी से काम खत्म हो जाए, और ताकि मैं अपना वीडियो का काम भी कर सकूँ। और फिर देखो गर्मी इतनी है,
अब ये देखो आपके मतलब 6 बजे से ही धूप निकल जाती है, काफी तेज धूप निकल जाती है 6 बजे से। 8 बज चुके हैं तो काफी तेज धूप निकल चुकी है और मैंने बाहर सुखा दिया है दलिया, तो दलिया सूख जाएगा, मुझे वो भूनना भी है। तो वैसे मैंने 1-2 दिन की धूप लगा चुकी हूँ उसमें, तो मैंने सोचा कि और सुखा देती हूँ तो अच्छे से सूख जाएगा, तो फिर मैं भून के और फिर उसको रख लूँगी, क्योंकि मैं इकट्ठे मतलब इकट्ठा ही भून के रख देती हूँ तो सही रहता है। देखो अगर इकट्ठा भून के रख देते हैं, वरना जब बनाना होता है तो तब फिर भूनना होता है तो टाइम लगता है, कई बार हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, जल्दबाजी में बनाना होता है तो इतना टाइम नहीं होता है कि पहले भूनें फिर बनाएं। और जैसे सिमई वगैरह होती हैं, जबे होते हैं आप जानते हो, अगर सिमई वगैरह जो होती हैं उनको भी मैं ऐसी भून के रख लेती हूँ, वो भी बनाने में आसान होती हैं, वो भी बन जाती हैं फिर जल्दी, क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना इनको भूनने में टाइम लगता है। तो बाबू छोटा स्कूल जा चुकी हैं, और ब्रेकफास्ट मैं अभी करूँगी नहीं, अभी मैं थोड़ी देर बाद करूँगी, इतनी सुबह सुबह मन नहीं होता है ब्रेकफास्ट करने का मेरा। तो अगर कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, जैसे चीला वगैरह बना रही हूँ या फिर दूध के जवे वगैरह बनाती हूँ, या मतलब चीला भी ऐसे नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ आपको तो पता होगा अगर आपने नहीं देखा है मेरी वीडियो में, मैं वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनाती हूँ अच्छे से, शिमला मिर्च वगैरह, प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से ज़्यादा से डाल के तब बनाती हूँ चीला, तो काफ़ी हेल्दी होता है वो। तो वो तो मैं कर लेती हूँ सुबह को अगर वो बनाती हूँ, लेकिन आज जैसे बनाया मैंने आलू जीरा और साथ में पूड़ी, अब मैं अलग से क्या बनाऊँगी, मैं सोच रही हूँ कि वही ब्रेकफास्ट कर लूँ, तो कभी कभी तो खा लेना चाहिए, कभी कभी तो मन होता है। और बाकी मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, अभी काढ़ा ही पिया है। चाय वगैरह क्या है कि मैं चाय मतलब हम लोग सोचते हैं कि सुबह को अगर स्किप कर सकते हैं तो कर लें, ना ही पिए, क्योंकि देखो चाय नुकसान तो करती है ही, और शाम को अगर कभी मन करता है तो शाम को ले लेते हैं, या कभी अगर सुबह को मन कर जाता है तो सुबह भी बना लेते हैं, ज़्यादातर तो स्किप ही की जाती है सुबह की चाय, तो बस मैंने काढ़ा ही पिया हुआ है अभी। तो देखो अगर गर्मियों में क्या होता है कि अगर हम जितनी जल्दी काम से मतलब फ्री हो जाते हैं उतना जल्दी सही रहता है, तो सुबह सुबह अपना काम खत्म हो जाए, नहा लो और साफ सफाई जो भी करनी होती है वो ठीक रहता है। बाकी मेरा क्या होता है बाद में, जैसे अब काम खत्म हो गया तो उसके बाद क्या है कि अगर कुछ और काम नहीं होता है, छोटे मोटे काम होते हैं घर के जैसे, तो वो कर लेते हैं बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।